अब पटियाल सुपर लीडर के इलेक्शन का परीक्षण करेगा। इस परीक्षण के लिए मैं आपको भारत से 12,650 किलोमीटर दूर अमेरिका लेकर चलूंगा। अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। सुपर लीडर की रेस से राष्ट्रपति जो बाइडेन बाहर हो गए हैं। बाइडेन प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाइडेन ने खुद चुनाव ना लड़ने का ऐलान किया है। बाइडेन के इस कदम से अमेरिका की राजनीति में कैसे 180 डिग्री का टर्न आया और क्यों बाइडेन ने अपना ये रण छोड़ दिया और उनको हर कोई रणछोड़दास क्यों कह रहा है, इसकी डिटेल आपको दूंगा। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि बाइडेन ने डेमोक्रेटिक पार्टी से किस भारतीय चेहरे को बतौर प्रेसिडेंट पेश किया है। बाइडेन ने राष्ट्रपति के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम आगे बढ़ाया है। नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं। एक महीने बाद डेमोक्रेटिक पार्टी की बैठक में राष्ट्रपति उम्मीदवार पर फैसला लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बाइडेन अचानक ही इस रेस से बाहर हो गए। इसके पीछे वजह क्या है, अब वो जान लीजिए। डेमोक्रेटिक पार्टी के कई नेता राष्ट्रपति रेस से बाइडेन को बाहर करने के लिए अपनी नाराजगी जता रहे थे कि इनको जिस तरह से कैंपेन में ये हिस्सा ले रहे हैं वो ट्रंप से पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। जून में ट्रंप के साथ प्रेसिडेंशियल डिबेट में बाइडेन का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। वहीं से बाइडेन का मुश्किल वक्त शुरू हुआ। जो बाइडेन 81 साल के हैं, बीते वक्त कई वीडियो ऐसे वायरल हुए उनके जिसमें सार्वजनिक मंच से उनका लोगों का नाम भूल जाना, कई बार बाइडेन लड़खड़ाते दिखे। ऐसे में बाइडेन की उम्र और उनकी हेल्थ एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है कि उनको दोबारा से पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पर पेश नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ रिपब्लिकन पार्टी के ट्रंप फुल जोश में हैं। कई सर्वे में बाइडेन ट्रंप से आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहे हैं, यानी बहुत पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।